ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा की बड़ी कार्रवाई, मंत्री ने 12 डायरेक्टरों के चयन को रद्द किया है। बिजली विभाग में 12 निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द की गई है। यूपीपीसीएल चेयरमैन एम देवराज का फैसला मंत्री ने पलटा है। देवराज ने अपने चहेतों को विभाग में निदेशक बनवाया था, वही उसके फैसले को अब पलट दिया गया है। इन्हें डायरेक्टरों की नियुक्ति को रद्द किया गया है। बिजली मंत्री अरविंद शर्मा के निर्णय से विभाग में हड़कंप है। मंत्री ने निदेशक चयन में भ्रष्टाचार को सीएम की जानकारी भी दी थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। सभी डायरेक्टरों की नियुक्ति को अब रद्द कर दी गई है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, देखिए बहुत बड़ा फैसला ऊर्जा मंत्री के द्वारा लिया गया है, 12 चयनित डायरेक्टरों के जो नियुक्ति है वो रद्द कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश में IAS अफसरों की मनमानी का एक ऐसा चरम और ऐसा नमूना है कि एम देवराज, जिन्होंने बिजली विभाग के पूरे महकमे पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और मनमाने काम का नतीजा है कि उन्होंने 12 डायरेक्टरों का जो चयन किया था वो गलत ढंग से किया था, इसकी शिकायत ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा से हुई थी और अरविंद शर्मा ने इसकी जाँच कराई। सारा प्रकरण उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये सारी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में 12 निदेशकों के चयन को रद्द कर दिया है ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने, और साथ ही साथ जो बिजली विभाग के चेयरमैन है एम देवराज, उनके द्वारा जो चहेतों को फिट करने की कोशिश हो रही थी उसकी कलाई खुल गई है। बिजली महकमे में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और जो चयन प्रक्रिया उसको प्रभावित करके अपने चहेतों को फिट करते हैं। देवराज कोई दूध के धुले नहीं है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिजली विभाग का भट्टा बैठा दिया है, भ्रष्टाचार की तमाम कहानियां चलती हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। आज इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में हड़ताल हुई थी जिसके लिए अरविंद शर्मा ने रात दिन मेहनत की। मंत्री के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी लेकिन देवराज के अड़ियल रवैये के चलते ये हड़ताल हुई थी और सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। किसी तरह से इस हड़ताल को रोका गया और बंद किया गया लेकिन इन सब के पीछे जो जिम्मेदार हैं वो एम देवराज है, जो बिजली विभाग के चेयरमैन हैं, IAS अधिकारी हैं। इन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।